आऊं 100-200 रुपए दे दो बाबा, मेरे बच्चे के पास कच्चा नहीं है, ये 2 साल से बिना कच्चे के घूम रहा है। तुम 100-200 रुपए दोगे तो मैं इसको कच्चा दिला दूंगा, तुमको दुआ लगेगी। अबे ओ भिखारी के फोटू, मैंने तेरे को बोला ना मेरे पास खुला नहीं है, तो जिद क्यों कर रही है तू? मैं बोलूं खुले नहीं है तो गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, डिजिटल का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन तो हो रहा है। अबे ओ भिखारी की औलाद, तू तो बहुत सियाणा बन रहा है। तू क्या सोचता है मैं तेरे को 1 रुपया गूगल पे करूं, फोन पे करूं, इतना टाइम है मेरे पास? आओ टाइम तो निकालना पड़ेगा बापू, तुम्हारा ये नुक्कड़ का चौराया पूरे 2 लाख देकर खरीदा हूँ। मैं सरकार से रजिस्टर हूँ, GST भरता हूँ, जैसे टोल टैक्स देते हो अब भिखारी टैक्स भी देना पड़ेगा। ये नुक्कड़ का चौराहा पार करना है तो भिखारी टैक्स तो देना पड़ेगा बाबू। हर रोज भिखारी टैक्स नहीं दोगे तो चालान कटेगा, जुर्माना होगा, बराबर में बोर्ड लगा है, नियम और शर्तें पढ़ लो। और जितना ज्यादा टाइम तुम भीख का पैसा देने में लगाओगे उतना ज्यादा भीख का पैसा पे करना पड़ेगा। हम रजिस्टर भिखारी हैं, पैसे के लिए भीख नहीं मांगते। भीख मांगना तो हमारा शौक है मातूर, पैसे के लिए तो हमारे बाप दादा का जेब काटने का बिजनेस है जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है। हजारों जेब कतरे उनके आगे काम करते हैं। अंदाज 02 सबका प्रिय चैनल अंदाज 02, प्लीज सब्सक्राइब।